गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे कंटेंट्स क्या क्या है, व्हाट इज विजुअल बेसिक, यानी कि विजुअल बेसिक को शॉर्ट फॉर्म में वीबी बोला जाता है। विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्राम, स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, ओके, कंपोनेंट्स, राइटिंग कोड, डेवलपिंग, एग्जीक्यूटिंग, सेविंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग विजुअल बेसिक। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्या होता है विजुअल बेसिक। कंप्यूटर आर नाउ एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड रेगुलरली टू मीट आवर पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। You can either see computer application working at shopping mall, bank, reservation counter, hotel, school, etc. Programming language are devised to perform complex operation. You can get an attractive and user-friendly interface to work. These tasks are performed by using different kinds of programming language. So, कौन कौन सी होंगी वो हम देखेंगे कि जो हमारी आजकल जो हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम है वो हर हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल सब जगह रिक्वायर्ड है उस चीज़ की। ठीक है, सो विजुअल बेसिक क्या होता है, वॉट इज विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक कैन बी डिफाइन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट इज मेंट फॉर बिगनर। It was developed by Microsoft in May 1991. जो हमारा विजुअल बेसिक है, यानी कि जो हमारा विजुअल बेसिक है वो कब डेवलप हुआ था, किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने May 1991। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस है, ये बेस है बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, इसके ऊपर बेसिक लैंग्वेज के ऊपर ये बेस्ड बेसिक लैंग्वेज एंड ऑफर अ नंबर ऑफ टूल टू डिवाइस यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI ऑपरेटिंग जो सिस्टम हमारा होता है। फॉर दिस रीजन इट इज नाउ एज विजुअल बेसिक। द मेन एम ऑफ विजुअल बेसिक इज टू प्रोवाइड एन ईजी प्लेटफॉर्म टू राइट प्रोग्राम डेट आर मोस्टली विंडो बेस्ड। विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस is an offshoot of Microsoft Visual Studio. It is freeware, occupies less memory space, contains most of the initial features of Visual Basic and is highly useful for beginners. So you can download it for free from a website www.visualstudio.com। यहाँ पर आपको क्या है एक वेबसाइट दी गई है जिसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, www.worldwideweb.visualstudio.com। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो आपका विजुअल बेसिक है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। द एक्सप्रेस वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक डज नॉट हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द पेड वर्जन। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010, बट एज अ बिगनर यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस द डिफरेंस। ओके, सो जो हमारे जॉन केमी है और थॉमस है invented the very first version of Visual Basic that is now as Basic। उन्होंने जो हमारा VB का जो first version launch किया था उसको नाम दिया गया है Basic।
विजुअल बेसिक इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एनेबल सिस्टम, यानी के IDE. क्या होता है IDE? फुल फॉर्म IDE. Environment. Okay, environment. फॉर्म्स निकल जाती है तो वो सारी आप राइट डाउन कर लो, यानी कि अपने नोट्स बनाओ. इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, यू नो दैट व्हेनेवर यू यूज एन एप्लीकेशन यू परफॉर्म सर्टेन एक्शन. दोज एक्शन इंक्लूड प्रेसिंग अ की, क्लिकिंग द माउस, सिलेक्टिंग अ चेक बॉक्स और अ लिस्ट आइटम फॉर अ मैन. दीज एक्शन आर कॉल्ड इवेंट्स, यानी कि जो भी हम एक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी एप्लीकेशन को ऑन करना है, स्टार्ट करना है, तो जो भी प्रोसेस करते हैं, जो हम स्टेप्स करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इवेंट. वेन यू स्टार्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्राम यू विल फाइंड डेट द स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन. They get executed only when a corresponding event take place. Okay? Let's take an example. You know that clicking the enter and exit button are two different events. When you click any one of them, the execute the task is the supposed to do. Whereas the statement associated with the other button do not perform anything. ठीक है, आया समझ में? इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर आर नाउ एन इंटरनल पार्ट ऑफ आर एवरीडे लाइफ. अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर आर बीइंग यूज रेगुलरली टू मीट आवर पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट. You can often see computer application working at shopping malls, banks, reservations counters, hotels, schools, etc. Programming languages are devised to perform complex operations. You can get an attractive and user-friendly interface to work. These tasks are performed by using different kinds of programming languages. फिर बात आती है कि what is VB, यानी कि Visual Basic. Visual Basic can be defined as a programming language that is meant for beginner. It was developed by Microsoft in May 1991. It is based on the basic language and offer a number of tools to devise user-friendly application through graphic user interface. For this reason, at least now, as Visual Basic, the main aim of Visual Basic is to be provide an easy platform to written program that are mostly Windows based. Okay, so John Kenney and Thomas invented the very first version of Visual Basic that is now as Basic. Visual Basic is a computer programming and integrated development environment, yani ke IDE, enabled system, event based program. You know that whenever you use an application, you perform certain action. Those actions include pressing a key, clicking the mouse, and selecting a check box or a list item from a menu. These actions are called event. When you start event-based program, you will find that the statements are not executed.
in the sequence in which they are written, they get executed only when a corresponding event takes place. Okay, अब हम बात करेंगे मोड ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्राम. सो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ वीबी प्रोग्राम. पहला है डिजाइन मोड, रन मोड, ब्रेक मोड. कितने टाइप के मोड है? थ्री टाइप के. So, design mode, it is a state when objects are created and logical statement for visual basic application are written. ये वो जो हम ये जो हमारा design mode होता है, ये वो mode होता है जहाँ पर हम logical statements को जो है वो बनाते हैं. In this mode, the program have a very important role to perform. Run mode, in this mode, the statement written by the programmer can be executed by the end user. The application perform the task for which it has been designed. And break mode, if an application pursued some error or does not show the desired result, you can stop it execution for removing error. Okay, जहाँ पर आपका जो आपने जो भी application जो pursued किया है, अगर वो show नहीं हो रहा है, अगर उसमें कोई error आता है, तो वो कहाँ होता है? Break mode पर. Such a mode is now as the break mode. ठीक है, तो वो मोड क्या बोला जाना है? ब्रेक मोड. ठीक है, मोड ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्राम, थ्री टाइप्स ऑफ मोड ऑफ बेसिक विजुअल प्रोग्राम, डिजाइन, रन एंड ब्रेक. अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग विजुअल बेसिक 2010. लेट्स लर्न द स्टेप टू स्टार्ट विजुअल बेसिक 2010. तो हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एंड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक.
ये है स्टार्ट करने का प्रोसेस। हो गया स्टार्टिंग। द यूनिवर्सिटी 2010 एक्सप्रेस डिस्प्ले सम पेन। दिस पेन आर एज फॉलो द न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट सेक्शन। जब हम अपनी वीबी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो कुछ जो है हमारे पास पैनल्स यानी कि पेन्स जो है वो शो हो गए। द पेन शो द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट that have been created by you in the recent past। अगर आपने जो पीछे कुछ अपनी फाइल्स बनाई होंगी तो उसमें जो है आपके पास यहाँ पे शो होगी, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स पर। द रिसेंट प्रोजेक्ट पेन, दिस पेन शो द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डेट हैव बीन एक्सेस इन द रिसेंट पास्ट। ओके, द गेट स्टार्टेड पेन, दिस पेन शो सम यूजफुल टिप्स टू डेवलप द एप्लीकेशन quickly। The latest news section, this pin show the latest online news, release the updates about Visual Basic। The property section, this parts allow you to specify the properties of each control for creating a new VB application। You will have to click on the new project। The new project dialog box will appear। Select the Windows Forms application option, then the end, click on। So open करते ही हमारे पास जो window appear होती है उस पर कुछ options होते हैं, जैसे कि आपको new project लेना है या recent project है आपका, get started pane है, लेटेस्ट है। सो ये सारे क्या हैं आपके विंडो अपीयर होने के ऑप्शंस। विजुअल बेसिक 2013 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वीबी। द नेक्स्ट वर्जन ऑफ वीबी विल बी विजुअल बेसिक 2015, यानी कि 10 है, 13 इसका लेटेस्ट वर्जन है एंड 15 जो है वो कमिंग वर्जन है। ठीक है क्लास, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर।